नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा के कोहाट वार्ड में। हमारे बीच नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रदीप अरोड़ा जी से हम सीधी बात करेंगे। प्रदीप जी, आपको स्वागत है। मेरा आपसे पहला जी सवाल बहुत है बहुत धन्यवाद। कि सर, आपका जो राजनीतिक जो जर्नी है आम आदमी पार्टी में, शुरुआत कैसे आना हुआ आपको? आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का कारण मेरा था कि मैं तोमर जी की विचारधारा से एक्चुअली बहुत प्रभावित रहा, उनके काम करने की शैली से, जिसकी वजह से मेरे को हमेशा उनको देख करके प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। और उन्होंने हमेशा समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश की है, जिस चीज़ की समाज को ज़रूरत रही उन्होंने बिना बोले भी किया, और उस वजह से मैं उनके साथ जुड़ता चला गया। और 2015 में मैं जुड़ा था, 2017 में उन्होंने मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया, और 2019 के अंदर उन्होंने मेरे को संगठन मंत्री बनाया RW विंग त्रिनगर विधानसभा का, जिसका मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी जो सोच है एक राजनीति को लेकर के, और इस लॉकडाउन के अंदर भी जो उन्होंने जज्बा दिखाया आगे बढ़कर के, उन्होंने 24 घंटे लोगों के लिए काम किया, और उससे भी हमारे को बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है, और हम उनके साथ ही काम करते रहे इन समय में भी। सर, मैं आपसे बात कर लेता हूँ कोहाट वार्ड को लेके। जी, आप कह रहे हैं समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए। जी जी, ऐसा क्या काम किया उन्होंने जब वो 5 साल विधायक थे? उनको कहीं से अगर वोट नहीं भी मिले तो भी उन्होंने कभी पार्शियलिटी नहीं की, उसके बावजूद भी उस जगह पे उन्होंने जाकर के, सामने से जाकर के काम किया। तो ये सोच अपने आप में ही दिखाती है कि अगर कोई भी शख्स काम करना चाहता है तो उसको वोट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उनको आज तक प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जो कि उनकी सीट प्रीति तोमर जी को मिली, वो तब भी लोगों ने दिखाया, और मैं तो ये कहूँगा कि अब उनके 2 नहीं 4 हाथ हो गए, क्योंकि फैमिली का अगर कोई आता है, और उनको भी पता होता है एक औरत को कि हाँ, समाज को किस तरह से चलाना है, उनको किस तरह से समझना है, तो हमें तो बहुत गर्व है कि हमारे अब 1 नहीं 2 2 MLA हैं। सर, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जब कोरोना काल, जब लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही सर, जो प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे? तोमर जी ने एक तो अपने ऑफिस के आगे सबके लिए खाने का अरेंजमेंट किया, और उसके बाद प्रवासियों के लिए बसों का अरेंजमेंट कराया गया, और हमने भी उनके साथ लग कर के काम किया। तो खुशी मिलती है कि ज़रूरतमंद को खाना वक्त पे मिल जाए, और अगर उसको घर जाना था तो घर जाने के लिए उसको एक साधन मुहैया करा दिया जाए, तो वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। जिस कोरोना काल के अंदर लोगों के पास पैसे कमाने के लिए नहीं थे, काम बंद हो गए थे, खाने की दिक्कत हो रही थी, तो किसी को उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया, जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने जी जान लगा करके काम किया। तो सर, MCD चुनाव नज़दीक हैं 2022 में, और 15 साल से दिल्ली में MCD BJP की है, तो क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक तो जो अगर आप पूरे कोहाट वार्ड में त्रिनगर विधानसभा में अगर आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो इस वक्त MCD के अंदर पहले हमारे पास 2 सीटें थी, अब हम कोशिश ये है कि अब हम पूरे का पूरा वर्चस्व दिल्ली MCD के अंदर आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं BJP के काम करने की शैली को लेकर के। प्रत्यारोप बिना सोचे समझे लगाना उनकी एक आदत बन चुकी है, लोगों को धीरे धीरे से समझ में आ रही है कि कौन सा काम कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो उस चीज़ का भी लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर MLA और MCD काउंसलर सेम होंगे तो काम करने में जरा स्पीड बढ़ जाती है और अच्छा काम होता है। सर, जो ये समस्या आ रही है कर्मचारी वेतन को लेके, या डेली बेस पे आज कर्मचारी हैं जी, क्या सारी समस्याएं खत्म होंगी सर? देखिए, सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपस की सिर्फ एक छींटाकछी की वजह से ही लोगों को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमारे नेता के अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला है कि MCD हमें दे दीजिए तो हम आपको सारे स्कूल कॉलेज जितनी सबकी तनख्वाह जो नहीं दे पा रहे हैं हम दे करके दिखाते हैं।
तो आने वाला वक्त, आने वाला एमसीडी का इलेक्शन बता देगा, और उसके बाद आने वाले एक साल के अंदर पता चल जाएगा लोगों को कि किस तरह से तनख्वाह दी जा रही है, किस तरह से प्रत्यारोप लगाए जाते थे झूठे, तो उसका अपने आप बीजेपी को जवाब मिल जाएगा। सर आप ये देख रहे हैं जैसे कि दिल्ली सरकार ने एक मुहिम चला रखी है प्रदूषण युद्ध को लेके, जी तो क्या लगता है जगह जगह जैसे वॉलंटियर्स खड़े हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जी तो ये चुनावी स्टंट लगता है आपको? जी देखिए प्रदूषण पे इस पर रोकथाम लग रही है। देखिए मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, लाल बत्ती पे खड़े होते हैं हम, तो क्या होता है कि ये इससे चुनावी स्टंट तो क्या होगा जी, वहाँ पे कहीं ये तो नहीं बोला जा रहा कि आने वाले चुनावों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को जीत करके विजय बनाए। सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए वॉलंटियर खड़े हो रहे हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी को बंद कर देंगे तो पोल्यूशन के अंदर जब एक कलेक्टिव कदम उठाया जाता है तो पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ब्रेक लगती है, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और पहले केजरीवाल जी ने अपना ऑडी वन को सुचारू रूप से चला करके इसका भी एक एग्जांपल सेट कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए, तो जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। आने वाले टाइम में लोगों को अपने आप इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या एक देश के लिए, एक हमारी स्टेट के लिए एक आई ओपनर है। सर अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव 2022 में, तो आप चुनाव लड़ेंगे आगे? देखिए मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी मेरे को आने वाले समय में अगर कोई भी जिम्मेवारी सौंपेगी तो मैं उससे पीछे नहीं कभी हटूंगा। अच्छा प्रदीप जी, राजनीति से हटके थोड़ा बात कर लेते हैं जी। अब जैसे इस समय बाजारों में आप देख रहे हो माहौल काफी क्राउड है जी, और अभी वैश्विक महामारी अभी गई नहीं, अभी जा रही है जी, जी, तो एक दिन त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है भैया दूज, तो एक फेस्टिवल को लेकर लोगों में क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं? देखिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी कर रहे हैं कि आप, और ऑर्डर भी पास किए हैं कि आपने दिवाली में पटाखे नहीं जलाने हैं, जलाने हैं तो ग्रीन पटाखे जलाने हैं। अवेयरनेस काफ़ी है, पहले से लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक तो महामारी की वजह से लोग बीमार भी बहुत हैं और ये मौसम भी ऐसा होता है। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इस साल में अभी तक, क्योंकि चार दिन रह गए हैं, तीन दिन ही रह गए हैं इनफैक्ट दिवाली को, तो अभी तक ना तो पटाखों की वैसी बिक्री है और ना ही वैसा कोई शाम को, ना बच्चे ना बड़े बुजुर्ग, लोग समझदार हो गए हैं। आने वाले समय में लगता है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और पोल्यूशन को जानते समझते हुए इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे। धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारी सीधी बात प्रदीप अरोड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।